रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। जो इंतखाबात होने थे वो हो गए, अब वो कैसे हुए वो आपके सामने है। एहतजाज ऐलानात आपके सामने है। एक वो साइड है जो कि हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई फार्मूला सेट नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 54 मेंबरान के साथ तगड़ी है। सिंध के अंदर वो चौथी दफ़ा हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद वो बलूचिस्तान के अंदर भी अपना वज़ीर आला लाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो कि पंजाब के अंदर तो डेफिनेटली अपनी हुकूमत बना रही है और मुस्लिम लीग लेड हुकूमत बन रही है, लेकिन वफाक के अंदर क्या फार्मूला होगा इसकी बात अभी तक समझ नहीं आ रही। एक बात जहन में रखिए कि इंतखाबात जिस तरह से भी हुए, इनकी मुख्तलिफ डायमेंशन हैं। एक तजिया ये भी किया जा रहा है कि जिस तरह रिजल्ट आया उससे पीटीआई तो डेफिनेटली कह रही है कि हम रियासती जबर का शिकार थे, लेकिन फिर भी हमने खैबर पख्तूनख्वा क्लीन स्वीप किया। बल्कि बैरिस्टर गौहर खान साहब के मुताबिक जब पहले ही 10-15% रिजल्ट आए थे, उनका ख्याल तो ये था कि वो 150 से ज़्यादा कौमी असम्बली की नशस्तों के ऊपर लीड कर रहे हैं और वो दो तहाई अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दूसरा ख्याल ये है कि इससे इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी आया है, जो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज हो गई है। विद एवरी पासिंग डे हो भी रही है, और जो इलेक्टोरल माइट किसी ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुआ करती थी, शायद अब वो नहीं रही। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी यही लगेगा और उनके लीडरान को भी यही लगेगा कि शायद उनके पास जो कुछ भी है या जो कुछ भी आया है वो पाकिस्तान की मुक्तदरा की मरहूने मिन्नत ही आया है। क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये तासुर दुरुस्त है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जो उबाल उठ रहा है मुख्तलिफ जगह पर वो आपके सामने है। एक बात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके लॉयलिस्ट करते हुए नजर आते हैं वो ये कि देखिए इमरान खान आज भी जेल में बैठा हुआ जीत गया। शोएब शाहीन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार भी थे, एक हलके में हार गए और ये कहते हैं कि उनके साथ धान वो क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। आज भी आपके पास वक्त है, जाएं माफी मांग लें अडियाला जेल में इमरान खान से, वो आपको माफ कर देगा, मुल्क को आगे चलने दें। नहीं करेंगे तुम तो खसो खाशाक की तरह बह जाओगे। अब ये रेफरेंस उनका क्लियरली किसी सियासी जमात की तरफ तो नहीं है, ये वो पाकिस्तान की मुक्तदरा करो यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हुए कह रहे हैं। अब इसके हवाले से फिर मुख्तलिफ तरह के बयानात भी आए, मुख्तलिफ तरह की फेक खबरें भी उठाई गई कि जी इमरान खान साहब से कोई बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन मिला है, लेकिन उसके हकायक ये हैं कि इमरान खान साहब से सिवाय उनके वकला के किसी हाई लेवल डेलीगेशन ने मुलाकात नहीं की। वो मुक्तदरा जिसके खिलाफ इमरान खान ये कहते हैं कि ये मेरे पर जबर कर रहे हैं, मेरी जमात पर जबर कर रहे हैं, वो मुक्तदरा क्या आज उनसे मिलेगी? आने वाले वक्त का तो पता नहीं, लेकिन अब तक उनकी किसी की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि खुर्रम दस्तगीर साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े मजे हुए खिलाड़ी थे और अब भी हल्का हार गए, गुजरांवाला से अब नशस्त हार गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अगर देखा जाए तो बहुत से लोग हार गए, राणा सनाउल्ला साहब हार गए, आबिद शेर अली साहब हार गए, मियां जावेद लतीफ साहब स्टॉलवर्ट हैं पीएमएलएन के, बुरे वक्तों में नहीं आ रहे, वो अपनी नशिस्त बड़ी लीड से उन्होंने शिकस्त दो चार हुए, ख्वाजा साद रफीक साहब अपने हल्का हार गए। इस तरह और भी बहुत से लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अपना हल्का हारे हैं और ये कदावर शख्सियात थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। क्या ये भी इस बात की गमबाजी करता है कि वाकई फिर ये बाय डिज़ाइन कोई धांधली हुई कि इन लोगों को हराया गया लेकिन बाकियों को जितवा दिया गया? इंतखाबात तो हो गए, चले ये एस्पेक्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ज़रा अब मामला आगे कि वफाक के अंदर वज़ीर आज़म यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होगा, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, पीएमएलएन क्या इस बात पर राजी हो पाएगी कि वो बिलावल साहब को वजारत उज़्मा दे दे, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, मियां नवाज शरीफ साहब की सोच क्या हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक डिफ़िकल्ट इक्वेशन इसलिए है कि गोके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट्स ने स्वीप किया है पूरा खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन वहाँ का वज़ीर आला कौन होगा? जमात का इस वक्त सूरत हाल ये है कि उसके पास वो डिसफंक्शनल है, निशान नहीं है। ऐसी सूरत हाल में क्या इक्वेशन बनेगी, ये तमाम मामला पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राणा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं किसी तारुक के मुताज नहीं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्त जनाब अथर काजमी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं किसी तारुक के मुताज नहीं, और जनाब आदिल शाहजेब साहब गेन पाकिस्तान की सहाफत का एक बड़ा नाम है। बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब साहब आपका भी। सबसे पहले मैं राना साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है,
ये क्या हुआ है, मतलब इंतखाबात हो गए हैं, ये इन इंतखाबात को क्या कहा जाए, 2018 का रेप्लिका कहा जाए, वो होता है ना फोटोस्टैट कॉपी होती है कि एक साइड से पर्चा डालें तो दूसरी साइड से ऑलमोस्ट उसी तरह निकल आता है, ये वही इंतखाबात थे और वही जो पहले हुआ वही दोबारा हुआ उसी तर्ज पर हुआ, या इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ था, या इस दफ़ा ज़्यादा था, या इस दफ़ा कम था, जो कुछ भी हुआ ज़रा मीठे की मकदार बताइएगा या जो मिर्च मसाला था उसकी मकदार बताइएगा आपके नज़दीक। देखें जी, जो कुछ भी हुआ इसका नाम है मज़ाहमत लोगों की तरफ से, उन्होंने बिल्कुल कबूल नहीं किया और उन्होंने अपना वोट डाला और वोट वाले दिन किसी को नहीं रोका गया, इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया कि वोटिंग के दौरान कोई बात हुई नहीं हुई, पूरे पाकिस्तान मतलब 5 बजे तक किसी जो सवालात आ रहे हैं वो सवालात आ रहे हैं कि जी जब फॉर्म 47 इशू हुआ उसके बाद क्या हुआ और आज तक क्या हो रहा है, सवाल यही है। आपने खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू सुनाई जिनको वजारत पानी और बिजली टिका के एनर्जी गुजारने के बाद ख्याल आया कि लोग मज़ाहमत की तरफ बात करते हैं, इन्हीं का सबसे पहले इंटरव्यू था जिसमें इन्होंने पब्लिकली एतराफ़ किया कि अगर हम ये हुकूमत ना बनाते तो फिर जनरल फैज आर्मी चीफ होते, वो अपनी मर्जी से 10 साल हुकूमत करते हैं इमरान खान, ये याद होगी आपको बात, बिल्कुल ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने सबसे पहले कही थी। तो इन दोनों की अपनी बात में मुख्तलिफ बातें हैं कि या तो फिर आप वो ना लेते, अगर आपने एक तरफ बचत की है तो दूसरी तरफ फिर आप बयानियाँ वो बनाते कि जिसमें फिर लोगों के साथ चलते, फिर आप उन लोगों को महंगाई में ना डालते। हमने उस 16 महीने की हुकूमत पे कभी ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने ये कहा कि उन्होंने अपनी वो जो बार बार शहबाज शरीफ कह रहे थे और डार साहब जिनके लिए मैं हमेशा कहता रहा कि तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है, जो उन्होंने लंदन से चलते हुए कहा कि जी मैं उड़ा नहीं और डॉलर गिरने लग गया, वो उनके गले भी पड़ा। ये वो हुकूमत थी जिसने PMLN के तमाम तर बयानिए को तबाह किया कि जी जब आप एक तो महंगाई कर रहे हैं ऊपर से आपस में भी लड़ रहे हैं और गुफ्तगू भी कर रहे हैं। बरहान साहब, आज मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है? आमिर भाई, आज मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है इस इंतखाब के बाद? क्या उसकी इखलाकी हैसियत में कोई इजाफा हुआ है या आपके नज़दीक वो नीचे गिरी है मुस्लिम लीग नून बहसियत जमात? देखें, इखलाकियात पे तो पाकिस्तान की सियासत बेस नहीं करती ना, ठीक। इखलाकियात पे अगर आप बात करेंगे तो जब मुस्लिम लीग नून पंजाब में जीती थी तो क्या उसका मैंडेट तस्लीम कर लिया था? क्या उस वक्त आज़ाद उम्मीदवार जो जहाज़ों में ट्रकों के हिसाब से भर के ले जाए गए थे, जो आप वो गपशप में कह रहे थे कि वो डाला भेज दिया, तो मैंने कहा था V8 भेज दें, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पहले वो डाले में पहुँचते थे तरीन साहब के घर और फिर V8 में पहुँचते थे वो इमरान खान साहब के पास बनीगाला में और वो PTI का मफलर गले में डालते थे। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान की सियासत तो इसी बुनियाद पे खड़ी है, वो आज भी खड़ी है, ठीक है। इसमें इखलाकियात अगर जाने तो फिर तो वो 2013 पे जिस पे आज नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमें हुकूमत फिर मौलाना फजल रहमान वाली बात मान लेनी चाहिए थी, मतलब उन्होंने इखलाकियात करके देख ली ना, उन्होंने 2014 में खान साहब के घर जाके देख लिया। यहाँ लोग समझते हैं कि टकरा जाना जो है ना वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इन्होंने रियासत बचा ली, सियासत खराब कर ली, आज PMLN बहुत मुश्किल में है। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं है, वो अब बना लेंगे, ठीक है। और वो बगैर आजाद के भी बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इतने आजाद तो उनके अपने लोग आ रहे हैं, मैं PTI के किसी एक भी जीते हुए MPA की बात नहीं कर, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बगैर भी हुकूमत वो बना रहे हैं, पंजाब में तो वो कंफर्टेबल है, बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। बट सवाल ये है कि जो मैंडेट उन्हें मिला है अब आ रहा है आमिर भाई, हाँ, इस पे जरा रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि तो तासुर जन्म ले रहा है वो ये है कि जो मिला भी है मुस्लिम लीग नून को वो भी अपनी जोर से नहीं मिला, वो भी दिलवाया गया है। इस बात के ऊपर कितनी आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? ये बिल्कुल सेम 2018 की तरह कह लें आप इसे, उस वक्त भी मैंडेट दिलवाया गया था, आज भी मैंडेट दिलवाया गया, चलें यही कर लें अगर आप हम। क्या उस वक्त साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की गिनती नहीं रोकती थी कि जरूरत नहीं है गिनती करने की, ठीक है। और सारा इलेक्शन प्रोसेस जो आज जिन सबको स्टे भी मिले, इलेक्शन कमीशन भी सुन रहा है, हाईकोर्ट भी सुन रही है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट रोक रही थी, ठीक है। ये फर्क आप देख लें कि इजाजत भी मिल रही है, स्टे भी मिल रहे हैं, रिकाउंटिंग भी खुशहाल हो रहा है, वो रिपोलिंग 22 पे और एहतजाज जाहिर है, वो तो ये है ना कि जी KP में अगर 2 कौमी असेंबली की सीटें नून ने जीती हैं तो वो क्यों जीती हैं? बिल्कुल अगर यहाँ पे हैं तो वो सारे के सारे
किस तरह हुआ चौधरी निसार का इलेक्शन, आज चौधरी निसार बिल्कुल तीसरे नंबर पे आए हैं, चौथे नंबर पे आए हैं, उस वक्त उनकी चक्री की सीट क्लियर थी, वो सरवर साहब के लिए तय हो गया था कि उनको देनी है तो दे दी गई थी। ये सारी तरफ पाकिस्तान के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं आया, कोई फर्क नहीं। अच्छा अदर कादमी साहब, पाकिस्तान के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं आया, अगर मैं आमिर अलियास राणा साहब की गुफ्तगू को उसको समाप्त करूं तो फिर इनफैक्ट हम रिपीट ही देख रहे हैं। अगर देखा जाए उस वक्त इमरान खान साहब बेनिफिशरी बने थे तमाम तर मामलात के, आज ये बेनिफिशरी मियां नवाज शरीफ साहब बने हैं और उनकी जमात बनी है। सो नथिंग हैज़ चेंज्ड फ्रैंकली, अगर उस तरह से देखा जाए तो इट शुड नॉट सरप्राइज यू और मी और एनीबडी एल्स। I think everything has changed, Muneeb sir. ठीक. Everybody should be surprised and everybody is surprised. ठीक. इसी मीडिया पे हम बैठ के कहते थे कि रेड लाइन लग गई है. इलेक्शन डे की एक साइंस है, अवाम नहीं निकलेगी. ठीक. 2018 से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते. इलेक्शन से चंद दिन पहले 3 मुकदमात में सजाएं, गैर शरई निकाह में भी सजा, इलेक्शन डे से पहले आपको किस किस्म के बयान आ रहे थे कि हर इंडिपेंडेंट को जो वोट पड़ेगा वो वोट जाया हो जाएगा, इनको कोई वोट ही नहीं देगा। क्या 2018 में नून लीग बगैर किसी जलसा किए हुए इंतखाबात में गई थी? क्या नून लीग बगैर शेर के निशान के गई थी? इस दफा जो पाकिस्तान की तारीख में हुआ है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो जो सारी थ्योरियां थी, वो जो सारी साइंस थी कि इलेक्शन डे वाले दिन आपको वोटर को निकालना पड़ता है और ये करना पड़ता है, लोग अपने खुद अपने तय बाहर निकले, अपने तय बाहर निकले। हुआ ये कि हम इलेक्शन साइंस में फंसे रहे और जमीनी हकायक को हम इग्नोर करके खामखाल जबरा बनाने की कोशिश करते रहे, आवाम को सामने नजर आ रहा था। और दूसरी बात, वोट सिर्फ एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं पड़ा। अब ये नून लीग बड़ा कन्वीनियंटली कह रही है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट पड़ा है, नहीं, एंटी नून लीग भी वोट पड़ा है, एंटी पीडीएम भी वोट पड़ा है और जो इनकी हुकूमत की कारकर्दगी थी उसके ऊपर भी वोट पड़ा है। दूसरी बात यह कि आलमी रिएक्शन आप देख लें, आप ये देख लें कि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के लोग कह रहे हैं कि अगली जो हुकूमत आएगी उसको तस्लीम ना करो, ये जॉन जेम्स ने कहा है। जब तक ये सारे इल्जाम की तहकीकत नहीं होती, अल जजीरा क्या कह रहा है, बीबीसी क्या कह रही है, आप सारी देख लें जमीनी हकायक क्या है। आपने वो जरताज गुल की वीडियो देखी होगी कि वो अकेली बैठी हुई थी, उसको जलसा नहीं करने दे रहे थे और पुलिस ने घेरा हुआ था। तो मेरे ख्याल में सब कुछ चेंज हो गया, पर यह अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है कि पाकिस्तान की अवाम डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसके ऊपर एतमाद करती है, वो बाहर निकली है, उन्होंने वोट दिया है और वोट के जरिए वो तब्दीली लाना चाहते हैं, तो इसको हमें एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए रादर देन कि इसको हम नेगेटिव लें। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं, ये बिल्कुल पॉजिटिव बात है जो अवाम का निकलना, क्योंकि मैंने भी वोट डाला और मैंने देखा कि जो अवाम जिस तरीके से निकले वो तो बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है, वो तो नज़र आ रहा था ना, उसमें तो कोई मेरे ख्याल में भाम है ही नहीं। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो एक इलेक्शन मैकेनिक्स की तरफ हम सब शायद कहते रहे कि ये इलेक्शन वाले दिन लोगों को निकालना होता है, ये भी एक साइंस है, उस चीज़ को भी इररेलीवेंट कर दिया पाकिस्तान की अवाम ने। बट मूविंग ऑन, आदिल शाहिब साहब, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा गालिबा नवंबर में, शायद पता नहीं आपको भी पता होगा, आपके भी प्रोग्राम में कहा होगा कि 100 सीटें तो हम पंजाब से ले जाएंगे। ये हुआ क्या है अगर उस तरह से देखा जाए? पीएमएल मियां नवाज शरीफ साहब की विनिंग स्पीच, वो आ गए, उन्होंने तकरीर फरमा दी, कह दिया कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बट ये वो जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती और धक्के से सिलसिला चल रहा है आगे के लिए। इंडिपेंडेंट्स भी कुछ हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं पीएमएलएन को, आ रहे हैं, फाइन, एक हुकूमत बन रही है, बट वो मुस्लिम लीग नून की जो माइट थी कम अज कम वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही कि जितना था कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाए हैं, लोग वोट देंगे। तो क्या एंटी पीएमएलएन वोट बहुत बढ़ चुका है और प्रो इमरान खान या प्रो पीटीआई वोट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया? ये मुनीब साहब, थैंक यू। देखिए, वी आर इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। इससे पहले हमने पाकिस्तान में ऐसी सियासी सूरत हाल नहीं देखी, और इसमें ये ना तरीके इंसाफ का कमाल है, ना खान साहब का कमाल है, ना आपके अथर काजमी के, मेरे और राणा साहब के तजियों का कमाल है। कमाल है पाकिस्तानी अवाम का, जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में इस सिस्टम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, और वो किसी के बस में नहीं थे। देखें, वोटर निकला है, वोटर खुद चल के निकला है, तरीके इंसाफ के बस की ये बात नहीं थी जिन हालात में उन्होंने इलेक्शन लड़ा कि वो जाए। लेकिन अब जिस हम क्यों कहते हैं कि इलेक्शन डे एक साइंस है, पाकिस्तान में इलेक्शन डे एक साइंस है, और कुछ हलकों में तरीके इंसाफ जिस बुरी तरीके से हारी है तो वहां पे जो साइंस मैनेज करने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने उसको उस तरह से मैनेज किया, इसलिए वो जीत गए। बाकी हमने देखा, देखिए कि पंजाब में नून लीग क्लेम कर रही थी कि हम तकरीबन 100 सीटें लेंगे,
लेकिन वो नहीं ले पाए और ये बिल्कुल सरप्राइजिंग था आपके लिए भी, हमारे लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी कि 1990 के बाद, यानी 1990 के बाद जिस तरह से मार पड़ी है जीटी रोड पर मुस्लिम लीग नून को कि गुजरांवाला डिवीजन में खुरम दस्तगीर जैसा बंदा जब आरटीएस ज्यादा इलेक्शन में गुजरांवाला डिवीजन स्वीप किया था नून लीग ने, मियां जावेद लतीफ जैसा शख्स जो है शेखोपुरा में जो कि 70-80 हजार लीड से जीतते हैं वो इस इलेक्शन में जो है वो हार गए हैं। लेकिन इसका एक और एंगल है मुनीब के आप देखें तो हर सियासी जमात जो है वो धांधली के भी वो कर रही है कि जी ये इलेक्शन जो है ये इंजीनियर था, ये मैनेज किया गया। जावेद लतीफ साहब का दावा है कि उन्हें हरवाया गया। नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो कहते हैं जी मेरे पास मुकम्मल सबूत हैं, हमें हरवाया गया। इसी तरह केपी में बड़े मजबूत उम्मीदवार जो है वो बुर्ज जो है वो उलट गए हैं, यानी सिर्फ चंद सीटें बाकी सियासी जमातों को गई है लेकिन उनमें से भी लोगों का वहां पर दावा है कि हमें हरवाया गया। मुझे आज खैबर एजेंसी जो एजेंसी होती थी खैबर डिस्ट्रिक्ट्स के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे वो कह रहे हैं जी मैं आपके पास कल स्टूडियो में आता हूँ मेरे फॉर्म 45 चेक कर दें, और वो सीट जो है वो लिटरली लास्ट मिनट उल्टा दी गई है। मैंने 25 कॉपियां जो कॉपियां होती हैं वोट जो होते हैं स्टैम्प शुदा वोट उन्होंने कहा है मैं आपके पास स्टूडियो में लाने के लिए तैयार हूं। अगेन उनका ताल्लुक मुस्लिम नून से है तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि हर सियासी जमात इस वक्त दावा कर रही है कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन देखिए वे फॉरवर्ड इसमें क्या है अपनी, वे फॉरवर्ड ये है कि जो आगे चीजें नजर आ रही हैं इलेक्शन के बाद ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी तमाम वो स्टेबिलिटी जिसको हम मांग रहे थे वो नहीं मिलेगी। बस आखिरी बात देखें मैं ये समझता हूं कि केपी में इंडिपेंडेंट्स जो कि तरीके इंसाफ है सबको पता है उनके पास क्लियर कट मैंडेट है, अगर उस मैंडेट से खेलने की कोशिश की गई तो ये जमहूरी रिवायात को के लिए भी ठीक नहीं होगा और ये पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं होगा। अच्छा फिर आप आ जाए पंजाब में, अगर नून लीग की लार्जेस्ट पार्टी है वहां पे बना ले, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान और सिंध में बना सकती है, मरकज में अगर देखें तो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस वक्त सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन आईन और कानून के तहत अगर आप देखें तो इस वक्त वो दे आर इंडिपेंडेंट्स, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अदरवाइज बिल्कुल मेरे ख्याल में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को यह सोचना चाहिए कि जमहूरी अकदार ठीक है उसके मुताबिक इस वक्त कौमी असेंबली में मैंडेट असल में किसके पास है। बिल्कुल, इन दोनों को पीछे रखे और आगे कह देना चाहिए जी हमें नहीं मिला, आप लोग हुकूमत बना ले, तरीके इंसाफ जाने, उसकी पार्टी जाने, होना तो ये चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मसला ये है ना कि इस वक्त तरीके इंसाफ के साथ क्या कोई जाना चाहेगा अगर उनको बहसिया, एक तो कानूनी मसला तो है ही है लेकिन उनके साथ इत्तेहाद कोई करना चाहेगा या नहीं। और ये बात भी दुरुस्त है कि बाकी जमातों को पीछे हटना चाहिए और तरीके इंसाफ को मौका देना चाहिए कि आप वफाक में हुकूमत बनाए, लेकिन कानूनी तौर पर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मौजूद है। लेकिन पीएमएलएन के लिए हमारे दोस्त हैं माजिद निज़ामी साहब, मैं उनको ये कहता हूँ कि इलेक्शंस के मामले में वो डेटा एनालिस्ट भी हैं, बड़ी रिसर्च करते हैं, उन्होंने जो फिगर निकाला है वो मुस्लिम लीग नून को जहन में रखना चाहिए कि सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग नून 2013 में 88 सीटें ली, 2018 में वो 49 हो गई, वो चले जी आरटीएस आ गया, आज मुस्लिम लीग नून के पास 38 सीटें हैं सेंट्रल पंजाब से। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक वेकअप कॉल है कि आप बुरी तरह से डिटेरिएट कर रहे हैं सेंट्रल पंजाब में, और ये कोई छोटी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के ऊपर ही सियासत करती रही है, उसे अपना बैटल ग्राउंड समझती रही। एक ब्रेक के बाद आप इस बात पे आ जाएं जी कि हुकूमत साजी होगी कैसे, क्या बिलावल साहब बन रहे हैं वज़ीर आज़म, मियाँ नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, और अगर वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो पंजाब की वजारत आला किसके पास होगी, ज़रा ये खबरें भी ले लेते हैं अपने तमाम दोस्तों से। एक ब्रेक के बाद मैं साथ ही खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कौन हो सकता है, पीटीआई ने स्वीप किया है, पीटीआई बैक कैंडिडेट ने, वज़ीर आज़म कौन हो सकता है, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, ये बातें और इवन बलूचिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल बनेगी। आमिर इलियास राणा साहब, सबसे पहले जी ज़रा इस पर आ जाते हैं ना, आपके नज़दीक पीएमएलएन कंफर्टेबल है इस बात से, अप्रोच तो उन्होंने किया, ज़रदारी साहब को मुलाकातें भी हुई, मजीद भी होंगी, कि ठीक है जी वज़ारत उज़्मा दे दें बिलावल साहब को, जस्ट अ प्रोपोजिशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि
जरदारी साहब ने भी वसुतुल कलबी का मुजाहरा किया था, शहबाज साहब को बनाया था वज़ीर आज़म PDM 1 में, तो ये ऑलमोस्ट PDM 2 ही बन जाएगी, तो उसमें बिलावल साहब को मौका मिलना चाहिए। योर टेक, आपको क्या लगता है? देखिए, जो इनकी गुफ्तगू मेरे तक पहुंची है, अल्टीमेटली क्या होना है मुझे नहीं पता। वज़ीर आज़म नून से जरदारी साहब होंगे सदर। अच्छा। जरदारी साहब ने सीधी सी बात की है कि जी सिंध हमारा है, पंजाब आपका है, बलूचिस्तान हमें दे दें, और अपने और मेरे हम दोनों दो तीन दिन में ला लेते हैं। जैसे आज बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंचे हैं इस्लामाबाद से, तो रात को हो सकता है नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हो जाए या कल सुबह हो जाए, और MQM मिलके जा चुकी है। तो जो PDM 2 आपने नाम दिया कि वो तो सारे एक दूसरे से रबते में हैं। अब वही बात इखलाकियात वाली कि जी इंडिपेंडेंट अपने आप को, ज़ाहिर है उन्हें MWM या किसी, लोग इजाज़ुल हक की पार्टी का नाम ले रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो PTI में आए और 9 मई के बाद छोड़ के चले गए, तो खान साहब तो माफ़ नहीं करते इस तरह लोगों को। और फिर वो ये है कि MWM पहले दिन से तादी थी और आज तक है, तो उनके पास ऑप्शन चुके कानून में लिखा हुआ है कि जिसके पास रजिस्टर्ड भी हो और इंतखाबी निशान भी हो उसको मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं। ठीक, तो अब ये वो दो पार्टनर हैं इनके जिनके साथ वो बैठ के बात करके फिर KP में उन्हें मखसूस नशस्तों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो क्यों छोड़ेंगे, और नेशनल असम्बली में उनको क्लेम करनी है, और उसके लिए उन्हें एक पार्टी PTI का नाम, वो क्या किसी कोर्ट से इतनी जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि 29 फरवरी को इलेक्शन KP में तो GI भी मौजूद है, इजलास हो सकता है। ठीक है ना, मतलब वो किसके साथ बैठते हैं नहीं बैठते हैं ये फैसला वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी बैठते हैं तो मरकज़ में तो हुकूमत इनकी बन गई, क्योंकि सदारत है, चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर है, और फिर सेनेट के इलेक्शन, यानी सेनेट के चेयरमैन से पहले सेनेट के इलेक्शन भी साथ ही आ जाने हैं, ऐवान सदर का इलेक्शन आ जाना, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पैकेज डील में तय होंगी इनकी आपस के दरमियान में। इसमें मखसूस नशस्तों पर भी बातचीत होनी है, KP के अंदर ये अकेले अलग से नहीं ले सकते, वहाँ पर लेंगे, फिर वहाँ पर सेनेट का जो इलेक्शन आना है ये मिल के कुछ सेनेट की प्रपोजिशन में जा सकते हैं सारे, JUI ANP जिसका एक है, सारे मिला के PMLN सारे बैठ के कोई एक सेनेटर के लिए किसी एक जगह पे जाके बातचीत कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त इन मुज़ाकरात के बीच का हिस्सा हैं। उनकी टीमें डिस्कस करेंगी इनको, क्योंकि कोई चीज़ अकेली नहीं है कि जी आप सिर्फ बलूचिस्तान में वजारत आला ले लें तो वहाँ पे स्पीकरशिप होगी, वहाँ की गवर्नरशिप है, ज़ाहिर है जो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगा वो फिर, जैसे अब MQM की तरफ से वो कह रहे हैं हमने नहीं मांगा, लेकिन ज़ाहिर है उनकी एक डिमांड गवर्नर की हमेशा से रही है, वो अपनी वजारतों की है, ये उन्होंने तरदीद की है इस बात की, उन्होंने तरदीद की थी कि हमने नहीं मांगा, हमने नहीं, बेशक की है, वो मांगने की जरूरत भी नहीं है, कुछ चीज़ें मेरे और आपके कहे बगैर भी है ना कि वो आए क्या करने थे, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं और आप अगर ये बात करेंगे जी उन्होंने कहा था मियाँ साहब आपने रोटी हमें अच्छी खिलानी है तो इसलिए तो नहीं आए थे, और मियाँ साहब भी मुझे जाते हुए नजर आएंगे, वो भी उनके मरकज की तरफ जाएंगे कि भाई हाँ आप हमारे, हम आपसे वोट मांगने आए हैं, आज वो जरदारी साहब की तरफ या कल जाते हैं तो वो कराची भी बुला सकते हैं उन्हें, ये पहले भी मिलके चलते रहे हैं, कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं। और आप जहन में रखें कि ये सारे, क्योंकि मैं उस दिन से कह रहा हूँ जिस दिन मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास हुआ और इन्होंने सब ने मिलकर रिजल्ट ओके किया मरदमशुमारी का, तो मैंने कहा था कि ये इलेक्शन लड़ने के लिए अब अलग होने जा रहे हैं, और 17 अगस्त को फैसल करीम कुंडी ने पहला मुतालबा किया कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ। फिर आपको हमारी सारी गुफ्तगू, हम बीच में डिस्कस करते रहे कि बिलावल साहब ने किस तरह के हमले किए और नून खामोश रही, उसके जवाब में कल बिलावल साहब जब हमारे TV पे भी, एक्सप्रेस पे भी आए और बाकी जगहों पे उनसे क्वेश्चंस हुए, तो उन्होंने कहा देखें अब हम अक्सरियत में तो नहीं है ना, तो अब हमें बातचीत तो करनी है। ये भी कहा कि हम अपने मंशूर पे अमल दरामद कराने के लिए मेरे पास क्लियर मैंडेट नहीं है, ये भी उन्होंने नहीं है ना, 17 वजारतों का जवाब है, हालांकि वो तो 2018 हुई 2008 से 2013 के दरमियान में, तो उस वक्त भी ये जो वजारतें जिनको आज कह रहे हैं सुबह में जाना है, ये पीपल्स पार्टी ने खुद क्रिएट की थी नए नामों से, जो लेबर मिनिस्ट्री थी उसको इंसानी वसाइल की बना के और ह्यूमन रिसोर्स बना के और ओवरसीज बनाया, एजुकेशन को CAD का नाम दिया, एग्रीकल्चर को फूड सिक्योरिटी का नाम दिया, ये पीपल्स पार्टी करके ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, मतलब इलेक्शन में नारे सारे इस तरह ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। बट आसर काजमी साहब, एक जो एक बड़ी डिफिकल्ट इक्वेशन, इसलिए डिफिकल्ट इज नॉट इन द टर्म्स के वो तो देखे स्वीप कर गए ना, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई और तो कोई एग्जिस्ट करता नहीं, 2/3 मेजोरिटी वाली सिचुएशन है PTI के लिए, टेक्निकल मसाइल कानूनी जरूर है। आपके नज़दीक तहरीक इंसाफ किस को पिच कर सकती है एक ऐसा चेहरा बद CM के लिए, और अगर उनके मसाइल ये कानूनी जारी बात है हल हो ही जाएंगे, कि जो एक अच्छा फेस भी हो, जिससे जो बहुत ज़्यादा शायद हॉस्टाइल भी ना हो और शायद मामलात को आगे लेकर चले, क्योंकि हुकूमत बननी है ना जी, और हुकूमत चलनी है। फिर देखिए, अभी तक कोई हतमी ऐसा कोई नाम तो सामने नहीं आया, गुज़िश्ता रात भी मेरी 2-3 लोगों से बात हुई और एग्जैक्टली
यही क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा। एक नाम जो मेरे जहन में आता है, तैमूर झगड़ा साहब जो है, वो बड़े रीजनेबल आदमी, रीजनेबल बात करते हैं, लेकिन वो हार गए सरप्राइजिंगली। वो उनको तो, वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि मुझे हराया गया है। अजी बिल्कुल, और उनकी सीट बड़ी मजबूत थी, इसलिए कि आगे पीछे उनके देखें तो सब लोग जीत गए। अब ये डिपेंड करता है कि वो किसको लेके आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में दो तीन नाम पे उनको गौर करना पड़ेगा। पहले तो आतिफ खान साहब थे, लेकिन उनको सूबाई असेंबली का इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया, तो लिहाजा वो तो इस दौड़ से बाहर हैं। वहीं से कोई होगा, अब देखते हैं कि वो कौन होगा। असद कैसर साहब के भाई हैं आकिबुल्ला साहब, उनका बड़ा जिक्र आ रहा है, आपको लगता है? क्योंकि असद कैसर साहब एट दी एंड थोड़ा रगड़ा रुगड़ा लगा उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर अपनी कैंपेन भी की, इलेक्शन भी लड़ा, सो समहाउ देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि उनके तरफ सख्ती भी इतनी नहीं है शायद, या कम है। जी देखिए, ये उनका नाम भी आ रहा है, कुछ एक दो और नाम भी आ रहे हैं जो नए लोग जीते हैं, उनका नाम भी आ रहा है, पर लुकिंग एट पीटीआईज हिस्ट्री, मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि कोई ऐसी शख्सियत आएगी जो शायद हम सब के लिए एक नया नाम हो। बट डू यू थिंक इमरान खान साहब वुड वॉन्ट अब कोई जैसे कहते हैं ना, कोई हॉकिश किस्म की शख्सियत लाएंगे जो कि बहुत क्लोज हो इमरान खान के और बार बार इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू री एंडोर्स करें, या कोई मॉडरेट किस्म की शख्सियत जो कि लॉयलिस्ट भी हो लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो, कोई ऐसी शख्सियत लाएंगे? आपका एनालिसिस? मेरे ख्याल में मिक्सचर लेके आएंगे, वो शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौर का कोई मिक्सचर टाइप लेके आएंगे। तो मैं जरा आदिल चाजर साहब के पास आऊंगा, एक मुख्तसर सा ब्रेक है जी, जरा वापस आ जाए। अब जरा आदिल साहब से पूछते हैं, उन पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और इवन पीटीआई क्या सोच रहे हैं और पंजाब के अंदर वजीर आला कौन हो सकते हैं, ब्रेक के बाद साथ। आयल साहब, योर टेक, ये वफाक के अंदर क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह राणा साहब ने कहा कि जरदारी साहब सदर बन जाए, सदर बन जाए और प्राइम मिनिस्टरशिप पीएमएलएन के पास ही होगी, या आपको लगता है कि हो सकता है कि पीएमएलएन कहे कि जी बिलावल साहब आ जाए बतौर वज़ीर आज़म? आपका अंडरस्टैंडिंग पहले इस पर बताइए। अगर इस पार्लियामेंट ने फंक्शन करना है, उसका उसका सिर्फ एक ही हल है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने आपस में बैठना है, अदरवाइज तो आपके नजदीक पीएमएलएन का क्या सोच रहे थे? जी, पंजाब का वजीर आला जो है ऑब्वियसली बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी मरियम नवाज साहिबा, लेकिन अब पीएमएलएन के पास एक ही ऑप्शन है कि पंजाब में एक मजबूत गवर्नमेंट बनाई जाए और वहां डिलीवर किया जाए और दोबारा से रिवैम्प किया जाए पार्टी को। तो ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जीत चुके हैं, वो एक दफा फिर पंजाब चले जाएं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड उनका मामला है। अगर अगर वो यहां पर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर आई थिंक क्लियर कट चॉइस जो एक है मुस्लिम लीग नून के पास, वो फिर मरियम नवाज साहिबा होंगी। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान अभी तक जो बात हुई है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ये भी कर सकती है कि वो शहबाज शरीफ साहब हो या मियां नवाज शरीफ साहब हो, इनको एतमाद का वोट दे देंगे लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। अब पीपल्स पार्टी की सीसी का कल इजलास है, वो बाकायदा इस पर फैसला करेंगे। इस वक्त ये ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर कि जी हमने चूंकि जिस तरह से कंपेन की है कि हम इनके साथ शामिल नहीं होंगे, हमारी तकरीरें पड़ी हैं, किताब किताब है, तो हमें ऐसी चीज करनी चाहिए कि कल हमें फिर सियासत भी करनी है। तो वो ये कहेंगे कि जी हम तो काबीना का हिस्सा ही नहीं थे, लेकिन एट द सेम टाइम वो पंजाब में वजारतें लेंगे, वो गवर्नरशिप लेंगे, वो चेयरमैन सेनेट लेंगे। यानी कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से जो ISPR के थ्रू एक बयान आया, उन्होंने फरमाया कि एक यूनिटी गवर्नमेंट, तो जो यूनिटी गवर्नमेंट है उसका फिर जो आपका तज्जिया या हम सब जो एक कंसेंसस शायद निकाल पाए कि ये फिर डिक्टेट का लफ्ज शायद स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इट इज स्ट्रॉन्गली एडवाइज्ड कि ये यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए और वही फिर डिलीवर करे जिसके अंदर हर कोई स्टेक होल्डर हो। मुनीब साहब, इसमें इस वक्त ना जो नंबर गेम है या अदरवाइज भी जो सिचुएशन बन चुकी है, यूनिटी गवर्नमेंट के बगैर ये पार्लियामान चल ही नहीं सकती, ये निजाम चल ही नहीं सकता जो आपको हमें नजर आ रहा है ना। देखिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों एक दूसरे के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती और ना चला सकती है, और इतनी स्ट्रांग ओपोजिशन, 90 लोग अगर ओपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, मतलब 15-20 आगे पीछे हो जाते हैं वो, लेकिन फिर भी they will have to face a strong opposition and a hostile government next door. Khyber Pakhtunkhwa
हर दूसरे दिन वहां का वजीर आला ऐलान करेगा कि सीधा पहुंचो अडियाला जेल और सीधा वी विल मार्च ऑन इस्लामाबाद। क्या करेंगे, कैसे चलेगा ये सिस्टम? तो ये सारी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास इकट्ठे चलने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके फाइन, अच्छा एक इस पे आ जाते हैं, अतर साहब क्विकली, आपको लगता है कि यूनिटी गवर्नमेंट की बात जो आई है, जारी बात आप तो कह सकते हैं ना, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से आई, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से आई, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इसकी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाना चाहिए कि टू गेट बैक इनटू द सिस्टम, के चले यार हॉस्टिलिटी बहुत हो गई, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, सियासी स्पेस भी अपने लिए क्रिएट करते हैं? डू यू थिंक कोई इन अलोंग दीज लाइन सोच रहा होगा, या इमरान खान साहब चाहेंगे कि नहीं तगड़ी स्ट्रांग ऑपोजिशन करो और खड़का के रखो इनको? देखिए, सोचना चाहिए और सारी सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। अगर कोई इसका सियासी हल निकलता है जिसमें पीपल्स पार्टी भी हो, नून लीग भी हो, पीटीआई हो, आइडियल वर्ल्ड में तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? मेरा नहीं ख्याल कि इतनी मारें खाने के बाद, यहां तक पहुंचने के बाद, फिर पीडीएम की हुकूमत ने जो कुछ किया, जिस किस्म के हालात रहे, सब कुछ बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, जिस तरह की सजाएं हुई, और जो नई हुकूमत आएगी उसमें क्या ये सारी चीजें जो है वो हल हो पाएंगी? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम, ये मिलके बनाएंगे, और इनके लिए जो चैलेंज होगा वो मुल्क में भी होगा और मुल्क से बाहर भी होगा। देखिए ना, बरतानिया के वजीर खारजा ने जो स्टेटमेंट दी है डेविड कैमरन साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि आपने कानूनी जो है वो प्रोसेस यूज करके इंतखाबी निशान और ले लिया, और जो लीडरशिप है उसको इलेक्शन से बाहर रखा, सीरियस कंसर्न्स हैं। तो ये बड़े इनके लिए चैलेंजेस हैं, ना सिर्फ मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर भी। पर एंड ऑफ द डे देखें, मुल्क के लिए जरूरी है कि ये तमाम सियासी जमातें बशमूल पीटीआई ये जो है कोई ऐसा फैसला करें जो मुल्क अब आगे बढ़े। क्या हम कितना अरसा और इस तरह अफरा तफरी का शिकार रह सकते हैं? और टुवर्ड्स द एंड, आमिर अहसान साहब, आपको क्या लगता है, ये बात बड़ी खतरनाक भी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाहर हुकूमत एक होगी जो कि वफाक के लिए हॉस्टाइल होगी, और वो इमरान खान साहब जेल में है, मुकदमात में सजाएं हो चुकी हैं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, और वहाँ से एक बयानिया ही आएगा नहीं कि जिस तरह असर कादमी साहब ने कहा कि, या अभी आदिल शाहिद साहब ने कहा कि पहुँचे इस्लामाबाद, ये कर दें, लॉन्ग मार्च निकाल दें, वो कर दें, क्या होगा? ये तो बड़ी बड़ी ख़तरनाक इक्वेशन है। जब आप हॉस्टाइल की बात करते हैं, जज्बात की बात करते हैं, तो अमीनुल्लाह गंडापुर को आप क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल। कि वो चीफ मिनिस्टर हों और वो बिल्कुल सामने से आके फ्रंट से लीड भी करें और बताएं कि एक तो पहले मुझे रास्ता दो, मैंने वापस आना है, और दूसरी बात जो मैंने तैमूर जफर झगड़ा साहब के हवाले से बात कही कि IMF की बात, आपको 9 मार्च को IMF से बात करनी है, IMF बात करती है कि आप सारे सूबे इकट्ठे हैं, मुल्क इकट्ठा है, तो एक नेशनल रिकन्सिलिएशन तो होनी होनी है। कैसे होगी? मैं इसका खाका भी आपको देने से कासिर हूँ कि जी ये कोई जैसे वो आइडियल पोजीशन बताई आदिल शाहदेव साहब ने कि जी सारे इकट्ठे हो जाएं, या हमारे भाई अथर काजमी ने कही, वो इकट्ठे होने में भी टाइम लगेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि ये सारे लोगों को, अवामी उमंगों को छोड़ के PTI इधर आ जाएगी, या ये लोग जो इसके खिलाफ इतने हॉस्टाइल थे कि जी उधर हो जाएगा, इसमें फ़ौज, अदलिया, सियासतदान, तमाम जमातें, सबको कुछ लोर दो की बुनियाद पे एक नया मिसाके मईशत करना पड़ेगा, मिसाके जमहूरियत करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन तो सबने अपने अपने लड़ने हैं ना। ये तो नहीं हो रहा ना कि सलाह करा के और बैठा दो, यहाँ 4 एंकर नहीं इकट्ठे बैठते, आप कहते हैं इतनी जमातें इकट्ठी बैठ जाएं, कैसे हो सकता? ठीक हो गया, वक्त खत्म हो गया जी, मैं अपने तमामों का शुक्रिया अदा करूंगा। इलेक्शन, हुकूमत साजी, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान की सूरत हाल, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत तगड़ी और अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून, इनके नामों के हवाले से जो हुकूमत साजी है इसके हवाले से, और चैलेंजेस के हवाले से गुफ्तगू आपके सामने हमने रखी। इसका फीडबैक दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया।